बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बने, यह मत सोचो फ्रेंड्स कि जो बोर्ड परीक्षा में टॉप करते हैं वह पहले से ही पढ़ने में तेज और इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि उनके जो पढ़ने का तरीका होता है वह अन्य छात्रों की तुलना में अलग होता है और वह अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी एक निश्चित सुनियोजित ढंग से तैयारी करते हैं और उनके कुछ अलग ही टिप्स होते हैं पढ़ने के, तो फ्रेंड्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है प्रियंका साहू और आज का क्वेश्चन है कि बोर्ड परीक्षा में 95+% कैसे लाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आपको खुद का एक टाइम टेबल बनाना होगा और आपको अपना रूटीन सेट करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारे टाइम टेबल मिल जाएंगे, तो उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आपको खुद का टाइम टेबल बनाना है क्योंकि वो जो आपको बताएंगे वो अपने हिसाब से बताएंगे, लेकिन सबका जो रूटीन होता है अलग अलग होता है। कोई 5 बजे उठते हैं तो कोई 6 बजे उठते हैं, कोई 7 बजे उठते हैं, किसी के खाने का टाइम अलग होता है 11 बजे, किसी का 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो भी होता होगा सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको खुद का टाइम टेबल बनाना है और आपको उसी रूटीन पर आपको फॉलो करना है। बहुत से छात्र साल भर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और जब परीक्षा नजदीक आने लगता है और तो फिर वह पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि फ्रेंड्स शॉर्टकट अपनाकर कोई भी टॉपर नहीं बन सकता है। और अगर अभी आप भी अभी तक जुलाई से स्टार्ट होता है क्लास और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा सितंबर तक, तो अगर कुछ कुछ पढ़ा है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो अक्टूबर से आप खूब मेहनत करिए और अक्टूबर से जो आगे का टाइम है उसमें पढ़ाई कीजिए एक टाइम टेबल बनाकर उसी रूटीन पर, तो आपका भी अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, प्रतिदिन क्लास अटेंड करना। तो फ्रेंड्स प्रतिदिन क्लास अटेंड करने का मतलब इसलिए है क्योंकि जब अध्यापक या शिक्षक कुछ भी पढ़ाते हैं तो वह हमें आसानी से समझ आ जाता है और हमारे ब्रेन में बैठ जाता है। ये मत सोचो कि हम ट्यूशन में पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो उसे ध्यान पूर्वक सुनिए, और क्लास में जो पढ़ाते हैं बहुत आसान भाषा में समझाते हैं टीचर और वह पढ़ाया हुआ हमारे ब्रेन में बैठ जाता है, तो वहाँ ध्यान पूर्वक पढ़िए। नेक्स्ट है, आप अपने लिए एक बेस्ट नोट्स बनाइए। तो फ्रेंड्स दुकान में आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो फ्रेंड्स इसे पढ़कर लोग एक एवरेज अंक ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद का नोट्स बनाना है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसा मतलब पढ़ाते टाइम ही आपको नोट्स बना लेना, ऐसा भी नहीं है कि आप दिन रात बैठकर कॉपी भरे और नोट्स बनाए, वैसे में टाइम वेस्ट होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नोट्स बनाना है कि आप एक कीवर्ड लिखे हैं, कुछ भी आप शॉर्टकट में लिखिए, शॉर्टकट में कुछ भी लिखे हैं उसे देख आपको एक पेज का आंसर समझ आ जाए, आपके दिमाग में आ जाए, और ऐसा कीवर्ड लिखना है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा लिखना है। ये भी नहीं है कि नोट्स बना रहे हैं तो पूरा कॉपी भर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं 10th क्लास में कि पूरा नोट्स बनाते हैं, इस सब्जेक्ट का, इस सभी सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाते हैं, ऐसे में साल भर हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हमको एक शॉर्टकट नोट्स कॉपी बनाना है अपने लिए। नेक्स्ट है, विषयों के बेसिक सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ बनाना। तो फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते हैं जिसके उत्तर के बारे में टॉपर्स को कोई आइडिया ना हो, ऐसा तभी संभव है जब आपकी बेसिक सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ होगी। बोर्ड एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट रहते हैं वह क्वेश्चन देख समझ नहीं पाते हैं कि ये किसका उत्तर है। आप उसे अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए तो आपको उसका समझ आ जाएगा, अगर आपको बेसिक से आपको उसका नॉलेज है तो। नेक्स्ट है, डेली प्रैक्टिस एवं रिवीजन करना। तो फ्रेंड्स आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप उसे रिवाइज करते रहिए, और रिवाइज के साथ साथ आपको मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उन सभी को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप अगर आपको टॉपर बनना है तो आप उस क्वेश्चन पेपर को लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, अगर आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको एग्जाम हॉल में जाकर एग्जाम देंगे तो आपको एकदम इजी लगेगा, आपको डायरेक्ट टफ क्वेश्चन नहीं लगेंगे। टॉप करने के लिए निरंतर आपको अभ्यास, प्रैक्टिस और रिवाइज करना अत्यंत आवश्यक है।
तो आपको रूटीन के अनुसार रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, टॉपर बनने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको आना बहुत जरूरी है। तो आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप अगर उसको दोबारा कुछ भी चैप्टर पढ़े और उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे तो आप कुछ दिनों के बाद उसे भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ सभी विषयों को लेकर टाइम मैनेज करते हुए सभी विषयों को पढ़ना है। और जो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसे आप ज्यादा पढ़िए, टाइम ज्यादा दीजिए, और जो आपको अच्छे से बनता है उस पर थोड़ा कम दीजिए, जो उसमें दिए हैं उस टाइम को इस पे कम दीजिए, ठीक है। इस प्रकार आपको टाइम मैनेज करते हुए सभी विषयों को मजबूत पकड़ बनाना है। नेक्स्ट है थोड़ा पढ़े अच्छा पढ़े का सिद्धांत अपनाएं। इसका मतलब यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप आगे मत बढ़िए। उसको आप अच्छे से क्लियर समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और आगे बढ़े उसके बाद पीछे का रिवाइज दोबारा जरूर करें, यानी आधा अधूरा न पढ़े न समझे और रटने के चक्कर में तो बिल्कुल न रहें। नेक्स्ट है ग्रुप स्टडी और डिस्कशन करें। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई का एक अच्छा माध्यम ग्रुप स्टडी और डिस्कशन को सबसे अच्छा माना गया है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं और कुछ समय बच जाता है तो आप अपने मित्रों के साथ बैठकर ग्रुप स्टडी करिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो अपने मित्रों से पूछिए और उनको कुछ डाउट है तो आपसे वह पूछेंगे। ऐसे करके 4-5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, जिससे कि आपको स्टडी में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है परीक्षा देते समय आत्मविश्वास बनाए रखें, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। तो कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है और इधर उधर भटकता है, जिसके कारण वह क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम देने जाते हैं तो किसी तनाव में मत जाइए और रिलैक्स होकर एकदम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन प्रश्न पेपर को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखें। नेक्स्ट है जिस विषय में आप कमजोर हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आपको सभी विषयों पर अच्छे अंक लाना होगा, तभी आप टॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, अगर आप किसी विषय में वीक हैं, कमजोर हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी अगर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।